हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2020 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है पीवाईक्यू की, वो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। विद रेफरेंस टू फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। अब FDI की यहाँ पर बात हो रही है। FDI क्या होता है? बाहर से कोई भी अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स ले लेता है, तो उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। ये इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में, एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये लिस्टेड कंपनी में ही हो, अनलिस्टेड कंपनी में भी होता है। तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा है, इट इज़ अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। सी, FDI और FPI, ये दो चीज़ें होती हैं, FDI और FPI, दोनों बाहर से होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट फर्क ये होता है कि फॉरेन कंट्री से जब पैसा आ रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट, किसी बाहर की कंपनी ने देश अपने देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, और अगर वो इंडिया की कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है और उसको दे देती है वापस, तो उसको बोलते हैं FDI। ठीक है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से जब पैसा लगाया गया है तो वो है FDI। लेकिन जब उधार दिया जाता है, लोन दिया जाता है, डेट दिया जाता है हमारे देश की किसी कंपनी को, किसी बाहर की कंपनी की तरफ से, तो होता है FPI। इस पर मिलता है आपको इंटरेस्ट, जिसने भी लोन दिया है उसको मिलता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं मिलता। तो FDI होता है, वो होता है नॉन डेट। नॉन डेट का मतलब यह है कि किसी पे उधार नहीं चढ़ा, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया अब वो पूरे रिस्पॉन्सिबल है अपने प्रॉफिट के लिए, उन्होंने पूरे भरोसे के साथ उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उनका अपना पैसा वापस उनको मिल जाएगा, प्रॉफिट जो भी मिलेगा जो डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो नॉन डेट का मतलब यहाँ पे है कि जरूरी नहीं है कि आपको पैसा वापस मिले ही मिले, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपको दे देगी। FPI जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये नॉन डेट होता है, ध्यान रखना, ये डेट होता है, ये डेट होता है। FDI जो होता है नॉन डेट होता है, FPI डेट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि FPI में अपन लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, इसमें आपको पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा, FDI में आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। प्रॉफिट कोई जरूरी नहीं है कि आप दो ही दो, जब हो प्रॉफिट तब दे देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही है, फिर भी हम सी पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। बात वही है, या तो बी होगा या सी सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि FDI में डेट नहीं होते, तो सी भी गलत है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII, ये अलग है। वैसे तो FII में आपके FDI FPI भी आ जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट कंपनीज़ में होता है FDI। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पहली बात तो इंटरेस्ट मिलता है, और FDI आपका सीक करता है प्रॉफिट को, FDI चाहता है प्रॉफिट, ठीक है, ना कि इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको मिलता है इंटरेस्ट, तो यहाँ से भी मतलब आपको इतनी सी बात पता है ना कि FDI आपका प्रॉफिट सीक करता है, डेट सीक नहीं करता, तो आराम से आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और बी यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 52 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये UPSC ने ड्रॉप कर दिया था, फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट। हम लोग को पता है कि हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जब हमें पता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो या तो ए सही होगा या डी सही होगा। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, ध्यान से सुनिएगा, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। क्या ये डिक्रीज हुए हैं? अच्छा एक बात बताओ, फर्टिलाइजर की यहाँ पे बात हो रही है, आप सबको पता है फर्टिलाइजर पे कितने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं, राइट? फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं,
फर्टिलाइजर के इम्पोर्ट पे, तो इसका इम्पोर्ट तो कहीं ना कहीं डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अब जब हमें पता है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो हमारा आंसर आता है डी। ठीक है, तो दो दो स्टेटमेंट हमने पढ़े और हमारा आंसर आ गया, तो लॉजिक के थ्रू। और ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको रटनी नहीं पड़ेगी, इसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर में देखते हो कि फर्टिलाइजर के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, जब एडिटोरियल्स में आप देखते हो, जब बड़े बड़े ऑथर्स बात करते हैं कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट ज्यादा है, कम करना चाहिए, ये वो ये वो, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, रटने से नहीं होंगे। कभी भी आप कोई भी मैगजीन उठा लो, कोई भी आप रटने लग जाओ चीजें, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया सर्विस नेशन है, इंडिया के जो सर्विस सेक्टर है बहुत ज़्यादा फूली फली हुई है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल हमारे इम्पोर्ट से ज़्यादा हैं सर्विसेज के मामले में। सॉफ्टवेयर, आईटी, बीपीओ वगैरह का नाम आपने सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स वगैरह, जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उनका एक्सपोर्ट हम बाहर के देशों में कर लेते हैं, जैसे यूएस, यूके, क्योंकि हमारा लेबर यहाँ पे चीप है, हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अब पहले के जितना तो चीप नहीं है, बट अभी भी जो यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैसे ले रहा है, इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैसे ले रहा है, उसमें फर्क तो है, तो चीप तो है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारे यहाँ से ज्यादा होती है, बाहर की कंट्रीज यहाँ से सर्विसेज लेना पसंद करती है क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ता पड़ जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब आपको तीसरा भी पता हो कि सही है, जो कि एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि सर्विसेज हम कर लेते हैं अच्छी खासी एक्सपोर्ट, तो भी आपका सी और डी ऑप्शन निकल के आ जाता है। जब तीसरा सही है तो सी और डी में ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप चार ऑप्शन में जिसमें भी आपको लग रहा हो कि भरोसा हो रहा हो कि यार ये स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है सही है, तो सबसे एलिमिनेशन कर सकते हो। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। यस बिल्कुल, सी ए डी तो रहता ही है ओवरऑल, बट मुझे लगता है जो यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया वो शायद इस स्टेटमेंट की वजह से किया हो, ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कब की बात हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी देखा गया कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, वो कोविड की कुछ वजह थी, उनकी वजह से ये देखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। आराम आराम से हम क्वेश्चंस करेंगे, समझते हुए करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। द टम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसको हम प्यार से WTI भी बोलते हैं, WTI क्रूड, WTI के साथ हमेशा WTI क्रूड ऑयल मोस्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो जो लोग न्यूज चैनल देखते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल फॉलो करते हैं, या जिन लोगों के घर में से कोई अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो उसको ये चीज़ पता होगी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कई बार न्यूज़ में दिखाई देता है, ये क्या है, किस चीज़ की ग्रेड, किस चीज़ की स्टैंडर्ड बता रहा है, ये क्रूड ऑयल की, ठीक है, क्रूड ऑयल की स्टैंडर्ड बता रहा है। बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं क्रूड ऑयल के, जब जैसे आपका WTI तो है ही, एक दुबई है, एक ब्रेंट है, ये डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल आ कहाँ से रहा है। तो टेक्सास आप जहाँ से जहाँ तक जानते हैं यूएस में एक जगह है, तो यूएस के उस एरिया से आता है जिसको WTI क्रूड ऑयल बोलते हैं। ब्रेंट जो नॉर्थ सी है आपका यूके के पास में, अगर वहाँ से तेल आ रहा है तो उसको ब्रेंट क्रूड बोल देते हैं। दुबई का दुबई वाले एरिया से आ रहा है, दुबई वाला ऑयल थोड़ा सा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, थोड़ा रफ होता है, उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती हैं। WTI और ब्रेंट जो है वो सही होते हैं प्योरिटीज के मामले में, उनको रिफाइन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट इनको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो इंडिया मिक्स खेलता है इन तीनों में, जो जरूरत होती है जिस हिसाब से, डिस्काउंट विस्काउंट ट्रांसपोर्ट पूरा डिमांड सप्लाई एनालिसिस करके इंडिया लेता है, किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है। तो WTI का आपका एसोसिएशन है क्रूड ऑयल के साथ, रिमेंबर इट। अब ये चीजें आपको फोकस करनी चाहिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो जब ऐसे टर्म्स आ रहे हैं तो उन पर फोकस करना चाहिए कि ये टर्म किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो टर्मिनोलॉजी के साथ आ ही जाते हैं यूपीएससी में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन फाइनेंशियल डेट में कौन कौन आते हैं? नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल डेट होता है जो इशू किया जाता है उन एंटिटीज के द्वारा जो फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं आते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3। हाउसिंग लोन्स, जो हाउस होल्ड ओ करके रखते हैं, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपके पार्ट है नॉन फाइनेंशियल डेट के। अब ट्रेजरी बिल, इसको कभी कभी कह देते हैं अपन क्रेडिट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ये ध्यान रखना, ये सारे जो है नॉन फाइनेंशियल डेट के अंदर आते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसने क्रिएट की थी। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा नेट पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी है। तो इसके अंदर कुछ सेफगार्ड्स हैं, सेफगार्ड्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर इसके सेफगार्ड्स के अंदर आते हैं और बाकी क्यों नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन, सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम। सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। कुछ ऑपरेट किए जाते हैं फॉरेन एंटरप्राइजेस के द्वारा और कुछ ऑपरेट किए जाते हैं डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस के द्वारा। कुछ स्टेट ओन्ड होते हैं, कुछ प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। अब तुक्के में ये सवाल नहीं हो सकता, तुक्के में आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन श्योरिटी के साथ आंसर आप तभी ला सकते हो जब आपको ये समझ आए या आपने पढ़ा हो कि आई ए ए के सेफगार्ड्स जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो लगाते हैं इम्पोर्टेड यूरेनियम पे, इम्पोर्टेड इनरिच्ड यूरेनियम पे, कि कभी भी आप बाहर से अगर यूरेनियम इम्पोर्ट कर रहे हो तो इट मस्ट नॉट यूज फॉर नॉन पीसफुल पर्पजेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको नॉन पीसफुल पर्पज के लिए यूज नहीं करना होगा। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर बाहर से यूरेनियम मंगा रहे हैं, जो बाहर के यूरेनियम से चल रहे हैं, वो आईएईए के सेफगार्ड्स के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन ये तो कंप्लीटली गलत है, यूरेनियम और थोरियम में फर्क क्या पड़ेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन टाइम भी बहुत ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि सोचने में करने में काफी टाइम निकल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पेपर के लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, जो पहले सवाल इजी हो जा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ड्रीम्स की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। देखो, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा इम्पोर्ट्स पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं तो ये प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल है। ट्रिम्स आपको पता है एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है और डब्ल्यूटीओ का पूरा मकसद जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं हमको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड पे वो ख़त्म करने हैं। तो डब्ल्यूटीओ का अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है, सेंस पता है, तो ये ऑप्शन आप सही कर दोगे, और जो कि है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो कवरेज है ट्रिम्स का, कि गुड्स को सर्विसेज को कवर करता है नहीं करता, आर्टिकल वन में है और इसमें साफ ही दे रखा है कि इट रिलेट्स टू ट्रेड इन गुड्स ओनली, द ट्रिम्स एग्रीमेंट डज नॉट अप्लाई टू सर्विसेज। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हेयर। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी कि नाम में तो आपके फॉरेन ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फिर ये रेगुलेट क्यों नहीं करेंगे। सी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेगुलेशन ये कर नहीं सकते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेगुलेशन होता है कंट्री के खुद के रूल्स है। जैसे हमारे यहाँ पे फेमा है, डीआईपीपी की गाइडलाइंस है, तो रेगुलेशन नहीं करते ये लोग। कोशिश करते हैं कि आपस में जो इन्वेस्टमेंट का ट्रेड है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं, वो इस तरीके से लगे कि लिबरलाइज्ड रहे। रेगुलेट करने वाले तो कंट्रीज ही होंगे, उस रेगुलेशन को एडवाइस करने के लिए ट्रिम्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 3 ओनली। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। If the RBI adopts an expansionary monetary policy, which of the following would it not do? RBI अगर expansionist policy, monetary policy अपनाता है, expansionary monetary policy का मतलब ये है कि RBI कोशिश कर रहा है कि market में money supply बढ़ जाए, market में money supply बढ़ जाए, expansion करना चाहता है money supply का, तो वो क्या नहीं करेगा? एक एक करके पढ़ते हैं। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को कट कर देगा। अब स्टेचुटरी अगर लिक्विडिटी रेशियो को ये कट कर देगा तो बैंकों के पास जो पैसा उधार देने के लिए वो ज़्यादा बचेगा। भाई स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है,
कुछ अमाउंट ऑफ मनी, कुछ अमाउंट ऑफ असेट साइड में रखने होते हैं रिजर्व के तौर पर। और रिजर्व के लिए पैसा अगर आपको कम रखना पड़े तो जाहिर सी बात है पैसा बिजनेस में लगाओगे, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा लोन देने के लिए। तो आप जितना बचत, आप जितना सेविंग कम करते हो, जितना आप अपने सेविंग खाते में कम डालते हो, उतना आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, खर्चा कर दोगे, राइट। तो इससे तो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी होगी, पहला तो सही है। पूछ रहा है किससे नहीं होगी, ठीक है, किससे नहीं होगी, तो पहले से तो होगी, तो पहला तो यहाँ पे गलत है। पहले से तो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी होगी, और ये पूछ रहा है नहीं होगी, किससे नहीं होगी, तो पहले से तो हो रही है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बढ़ा देंगे। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक तरह की फैसिलिटी होती है जब आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए, रेपो रेट से भी आप पैसा बोरो कर लियो, बैंक वगैरह अगर आरबीआई से पैसा बोरो कर लेती है रेपो रेट वगैरह से, फिर भी उसके ऊपर पैसा चाहिए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा के आरबीआई और पैसा दे देता है, इसको बोलते हैं एमएसएफ रेट। अब अगर ये रेट बढ़ा देगा आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक क्यों जाएंगे फिर आरबीआई के पास पैसा लेने जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। तो जब बैंकों को आरबीआई के पास जाना नहीं पड़ेगा, आरबीआई से वो पैसा नहीं लेंगे, तो वो पैसा कहाँ से लेंगे एक्स्ट्रा उधार देने के लिए। उधार नहीं देंगे तो फिर एक्सपेंशन मॉनिटरी पॉलिसी कैसे होगी। तो बिल्कुल यही आंसर है इसका, क्योंकि डेफिनेटली आरबीआई ये नहीं करेगी, एमएसएफ की रेट को डिक्रीज कर देगी ताकि बैंक आए आरबीआई से लोन ले और फिर अपने कस्टमर्स को जाके लोन दे, एक्सपेंशन हो मॉनिटरी पॉलिसी का, मनी सप्लाई का। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, बिल्कुल ये करेगा। बैंक रेट रेपो रेट करने से कमर्शियल बैंक आएंगे आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, और बदले में अपने कस्टमर्स को लोन दे देंगे जितना आरबीआई से मिलेगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा तो ये करेगा एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने के लिए, दूसरा ये नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा एमएसएफ को। तो इसका आंसर होगा टू ओनली। कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका डाउट जल्द से जल्द सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1991 के इकोनॉमिक लिबरेशन के रिफॉर्म्स हुए, तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी अर्बन एरियाज में और डिक्रीज हो गई थी रूरल एरिया में। अभी क्वेश्चन लगने में तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वर्कर की प्रोडक्टिविटी अर्बन एरिया में बढ़ी थी और रूरल एरिया में घटी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूरल एरियाज में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज्ड। रूरल एरियाज का जो शेयर है वर्कफोर्स में वो एक्चुअली घटा था, ठीक है, तो ये गलत है। अब आप बोलोगे कि परसेंटेज शेयर रूरल एरियाज का घटा था तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ कैसे सकती है। देखो, जितना शेयर रूरल एरियाज कंट्रीब्यूट कर रहे थे टोटल प्रोडक्ट, टोटल आपके एनडीपी में, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उतना शेयर जो था वो ऐसे कि ऐसे था, थोड़ा सा ही कम हुआ था, ठीक है। शेयर आप मान लो ऐसे कि ऐसे था नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, लेकिन जो शेयर करने वाले लोग थे, मान लो रूरल एरिया से 10 लोग आए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और पहले शेयर जो है इतना था, मान लो कोई भी अमाउंट था, अब ये अगर शेयर करने वाले रूरल एरिया से काम करने वाले 9 लोग ही बचे, फिर भी एनडीपी में शेयर इतना ही है, इसका मतलब यह है कि बाकी के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो परसेंटेज शेयर जो है वर्कफोर्स में वो तो आपके घट गया, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई थी, क्योंकि एनडीपी में शेयर उतना ही था, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ रहा था वो उतना ही शेयर था, जबकि रूरल एरियाज से वर्कफोर्स, रूरल एरिया से काम करने वालों की संख्या वर्कफोर्स में कम हो गई थी, राइट। एक दो बार फिर से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 1 और 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है इन रूरल एरियाज। अब 1 और 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है तो आंसर आपका आ ही जाता है ऑलमोस्ट, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। अब देखो, लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो ग्रोथ तो बढ़ी है, ठीक है, नॉन फार्म इकोनॉमी, फार्म इकोनॉमी ग्रोथ तो होगी। तो जब अपने को इतना क्लियर है ना, तो अपने को पहला दूसरे स्टेटमेंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। नॉन फार्म इकोनॉमी में जब ग्रोथ बढ़ रही है तो बी और सी आंसर होगा। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, पर ये बात बिल्कुल सही है।
ग्रोथ रेट रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हो गई थी 3 और 4, इसका सही आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, टाइम ज्यादा लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके लास्ट में डाल लिया। अगर आपको जैसे बी और सी इसमें एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो बी और सी में एक टिक करिए, जो भी आपको पॉसिबिलिटी लग रही है 50-50 पॉसिबिलिटी होगी, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को साइड में रखिए, लास्ट में रखिए, जब आपका इजी इजी क्वेश्चन वाले हो जाएं तब इन क्वेश्चन पे आया करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स DCCB ज्यादा क्रेडिट देते हैं इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ऐसा नहीं हो सकता, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक की अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा शेयर है, करीब 78 से 80% शेयर आपका एग्रीकल्चर और एलिट जो क्रेडिट है वो उसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल, अकेले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का आता है, तो RRB की तो बात ही हटाओ। ठीक है, RRB का आपका 5% का शेयर है, तो अब देख लो मेजरिटी तो आ ही नहीं सकता। और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और एक तरफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो ऑल इंडिया ऑपरेट करते हैं, राइट, तो कहाँ से DCCB भी ज़्यादा लोन दे देंगे। पहला स्टेटमेंट क्लियरली गलत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। DCCB का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को लोन देना। बिल्कुल, DCCB प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को लोन तो देता ही है। चलो, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। इन इंडिया अंडर द साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स, साइबर इंश्योरेंस की बात हो इंडिविजुअल्स के लिए, तो कौन से बेनिफिट्स कवर रहते हैं साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स के लिए इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। पहला स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एसेस टू वंस कंप्यूटर। देखो, अगर आपके कंप्यूटर पे अटैक होता है, साइबर अटैक होता है और आपने साइबर इंश्योरेंस करा रखा है, तो कंप्यूटर सिस्टम पूरा रिस्टोर होगा अगर आपने साइबर इंश्योरेंस करा रखा है तो, क्योंकि आपका डैमेज कहाँ गया, कंप्यूटर सिस्टम में, तो रिस्टोरेशन तो होगा। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। सी, कंप्यूटर नया का नया कंप्यूटर आपका जो होगा वो हार्डवेयर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होगा। साइबर इंश्योरेंस में आपके जो ई वेंडलिज्म है, साइबर इंश्योरेंस में जो आपके डेटा से रिलेटेड जो अगर कोई दिक्कत है तो वो कर देगा सोल्व। ठीक है, डेटा से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो सोल्व हो जाएगी, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व नहीं होगी। हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हार्डवेयर की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उनमें कवर्ड होगा वो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सट्रोटेशन। बिल्कुल, साइबर एक्सट्रोशन का मतलब ये होता है कि किसी ने आपका डेटा हैक कर लिया, फिर आपको धमकी दे रहा है कि ये डेटा मैं लीक कर दूंगा पब्लिक में, तो पैसा दे दो मुझे, तो आप स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट को हायर करते हो कि भाई इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो वो चीज़ भी इसके अंदर कवर होती है, क्योंकि अगेन इट इज़ अबाउट डेटा, डेटा की बात हो रही है, डेटा के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो साइबर इंश्योरेंस कवर करेगी। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल से सूट। बिल्कुल, अगर कोई थर्ड पार्टी सूट फाइल करती है तो उसमें भी आपको वकील को पैसे देने के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस की तरफ से हेल्प मिलेगी। अब सवाल ये है कि ऐसे क्वेश्चंस ना तो सिलेबस में कहीं कवर होते हैं ना ही कहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, तो क्या किया जाए। अब देखो, ये जो सोर्स है ना इसका वो है आपका IRDAI, इसकी वेबसाइट पे आपको मिलता है, इसकी पॉलिसी है ये। अब क्या होता है कि रिसेंटली साइबर अटैक्स बढ़ गए, तो या तो आपको रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए कि आप जाके देखो कि साइबर इंश्योरेंस अगर हम कराएं तो क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइट पर मिल जाएगी, आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कहीं कवर नहीं हुई। IRDAI की वेबसाइट भी है, बट उसमें आपको फिर रिसर्च वाला दिमाग होना चाहिए, चीज़ों को छानने बीनने की आपका अगर माइंडसेट है तो आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी अगर रिसेंट ट्रेंड है, कोई भी साइबर अटैक जैसी कोई चीज़ें हो रही है, जैसे अगर अभी फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, तो उनसे रिलेटेड आप डिटेल में जाओ, नेट पे सर्च करो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, देखो कि कोई पॉलिसी कोई रूल्स रेगुलेशन है इसके रिगार्डिंग। अगर ये सब आप आदत बना लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके
काफी चांसेस हैं कि सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है 1, 3, 4। स्टिल दिमाग में कोई आपके डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या माना जाएगा इनमें से? फिक्सिंग MSP फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। MSP फिक्स करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, सारी क्रॉप्स के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, ध्यान रखना। और इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन दिस वर्ड इन्वेस्टमेंट। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट, यू आर एक्सपेक्टिंग सम वैल्यू क्रिएशन। इसलिए कीवर्ड पे ध्यान रखना। MSP आप अगर आप फिक्स कर रहे हो सारी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। कंप्यूटराइजेशन कर रहे हो प्राइमरी एग्रीकल्चर गेट सोसाइटी के लिए, ठीक है। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है? सरकार को कोई प्रॉफिट मिल रहा है? देखो, अब आप कहने को तो कह सकते हो कि फार्मर्स का इसमें वो कॉस्ट बचेगी, तो फार्मर्स फिर बदले में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा सेविंग होगी ना। वो इनडायरेक्टली तो आप कैसे ना कैसे जोड़ दो कहीं से। बट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि डायरेक्टली सरकार इन्वेस्ट कर रही है और उससे कैपिटल क्रिएशन हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने से कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही, कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं हो रही यहाँ पे, तो 4th यहाँ पे गलत है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम। जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, जो किसानों को लोन देके रखते हैं, उनका वेवर हाल ही में ट्रेंड में था, 2-3 साल पहले, जब एग्रीकल्चर लोन माफ कर दिए जाते थे। तो वो एग्रीकल्चर लोन अगर आप माफ कर दोगे तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। आपने किसी का लोन माफ कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगा, वो पैसा तो डूब गया। तो 4 भी नहीं, तो 5th आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं होगा ही नहीं सही। जब इतना सा पता है ना आपको, तो आपका ए भी गया, बी भी गया, डी भी गया, क्योंकि आपको पता है 5th नहीं हो रहा। और जिसने ये 5th स्टेटमेंट को पकड़ लिया, जिसके अंदर कॉमन सेंस होगी कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और अब इस चीज को पढ़ने के लिए आपको कोई बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आपको समझ में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बेसिक क्लियर है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, और एग्रीकल्चर लोन के वेवर से हमको कोई फायदा मिल नहीं रहा। तो ऐसा समझते ही आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट में UPSC हिंट छोड़ के जाती ही है, राइट। तो इसलिए डर नहीं जाना, इसलिए आप 30 क्वेश्चन तो लॉजिक से कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो। कोई ट्रिक विक नहीं चाहिए यहाँ पे, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आजकल यूट्यूब पे चल रही है, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो आपकी कंपनी है उसके पास कितना पैसा है कि वो अपने इंटरेस्ट को चुका सके। हाउ इजीली अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है, वो हमें नहीं जानना, बट अभी ये समझ लो कि अपने इंटरेस्ट को चुकाने के लिए कितना कंपनी के पास पैसा है। जितना ज़्यादा कवरेज रेशियो होगा, जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होगा, इसका मतलब कंपनी के पास उतना पैसा है अपना ब्याज चुकाने के लिए। इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कंपनी डेट पे नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, कभी भी पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगी, राइट। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक गोइंग टू गिव लोन टू। अगर बैंक किसी कंपनी को लोन देता है तो वही देखेगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है इस कंपनी का, क्या कंपनी के पास पैसे भी है कि नहीं है लोन चुकाने के लिए बाद में। तो समझ में आता है कि उस प्रेजेंट रिस्क क्या है उस फर्म का लोन देने के लिए। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। फर्म का इमर्जिंग रिस्क क्या होगा? तो प्रेजेंट रिस्क समझ में आता है, इमर्जिंग रिस्क भी समझ में आता है। आज लोन देंगे तो क्या रिस्क है, आगे लोन देंगे तो क्या रिस्क है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से दोनों का पता चलता है, और दोनों जनरल स्टेटमेंट है, हेल्प्स हेल्प करता है। अब यहाँ पे गलत नहीं कर सकता स्टेटमेंट को, ये रेशियो कहीं ना कहीं चाहे बहुत कम हेल्प करता हो पर करता तो है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना जनरल स्टेटमेंट, इनको पकड़ना है आपको, इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है। PYQ में आपको समझ जाएगा कि स्टेटमेंट जो फ्रेमिंग हो रही है वो UPSC ने क्या सोच के की है। तो पहला और दूसरा गलत हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि हेल्प यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड वर्ड है, बहुत ही। हेल्प का मतलब है कि कोई ना कोई चीज आपके उसके साथ एसोसिएटेड है, फैक्टर है उसमें, और कुछ एसोसिएट होती है ना तो बहुत तरीकों से एसोसिएट हो सकती है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। अब बात है तीसरे की, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना कंपनी की एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट वो कम होगी,
ऐसा नहीं है, मैंने बताया हाई होगा उतना अच्छा होगा। तो भले ही आपको तीसरा नहीं आता, बट आप पहला दूसरा देख, अगर आपको पता है पहला दूसरा सही है तो आप एलिमिनेट करके पहुंच सकते हो ओ डी पे, या तो ए सही होगा या डी सही होगा। 50-50 पॉसिबिलिटी बन जाती है, 50-50 पॉसिबिलिटी में आप टिक करके आओ तो नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसे ही खेला जाता है यूपीएससी के पेपर में 50-50 पॉसिबिलिटी में। बस आपको इंश्योर करना है कि 50-50 में भी जो आप टिक लगाओ वो पूरे दिमाग के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ लगाओ, ताकि आप अगले क्वेश्चन पे भी आओ तो उस क्वेश्चन पे दोबारा ना जाओ, आपके दिमाग में वो चलता नहीं रहे पहले वाला क्वेश्चन क्या उसमें सही किया था नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया रिसेंट पास्ट। चावल की प्राइस में कौन सी पॉलिसीज इफेक्ट करती है? अब यहाँ पे फिर इफेक्ट वर्ड है, अफेक्ट, एसोशिएट, ये सारे ये जो वर्ड होते हैं ना, ये आपके बहुत ही जनरल वर्ड होते हैं। हेल्प्स, बहुत ही जनरल वर्ड है ये, मतलब आप कहीं ना कोई चीज किसी ना किसी चीज को अफेक्ट करती है, सीधी सी बात है। हर चीज अपने आप में लिंक है, इकोनॉमी में तो खासकर। तो इसकी प्राइस इन चारों से कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड है। अब आप चाहे इन चारों को मत पढ़ो, बट जहां पे इफेक्ट की बात हो जाए ये चारों सही है। बट फिर भी एमएसपी भी देख लो आप, इफेक्ट करती है। गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रेड कर रही है वो भी इफेक्ट करती है, गवर्नमेंट कितना स्टॉक रख रखी है वो भी इफेक्ट करती है, कंज्यूमर सब्सिडीज कितनी है वो भी इफेक्ट करती है प्राइसेस को। लॉजिक वाइज भी सही, नॉलेज वाइज भी सही, और अगर आप कॉमन सेंस वाइज भी जाओ तो भी आंसर इसका डी आएगा, 1, 2, 3 एंड 4। इसलिए यूपीएससी का पेपर कठिन नहीं है, कठिन है तो उस प्रेशर में भी आपका हल्का फुल्का दिमाग चलना चाहिए। आपको ब्रिलियंट नहीं सोचना है, इतने खतरनाक प्रेशर में आपका दिमाग आपकी 70% कैपेसिटी पे भी चल जाए ना तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। यूपीएससी नहीं चाहती आप बहुत ब्रिलियंट माइंडेड हो, यूपीएससी चाहती है कि आपको अगर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दे तो आपका दिमाग अपने ऑप्टिमम लेवल पे, एक एवरेज लेवल पे भी काम कर पाता ही नहीं कर पाता, ये यूपीएससी का मकसद होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। सी यहाँ पे फिर वही वर्ड है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। अब मैंने आपको कितनी बार समझाया कि कंसिस्टेंटली वर्ड अगर आता है, और लास्ट डिकेड पिछले 10 सालों की बात हो रही है, 10 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है, ना तो कोई चीज़ बढ़ती रहती है ना कोई चीज़ घटती रहती है 10 सालों में, कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी कम ज़्यादा होती रहती है। पहला स्टेटमेंट गलत है, और जिन लोगों ने भी मेरी पीवाई की वीडियोस देखी होंगी बस कंसिस्टेंटली वर्ड को देख के गलत मान लिए होंगे, क्योंकि मैंने समझा रखा है हर वीडियो में कि कंसिस्टेंटली का कहाँ, जहाँ पे कंसिस्टेंटली आ जाए उसका मतलब वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट गलत। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स की यहाँ पे बात हो रही है, कंस्टिट्यूट करते हैं इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब देखो बांग्लादेश, ढाका नाम सुना होगा आपने, सिल्क ट्रेड, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि टेक्सटाइल वहाँ पे ट्रेड हमेशा चलता रहता, ढाका तो बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था टेक्सटाइल का। तो सॉरी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड तो होगा ही होगा ना टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स का, और कोई भी दो कंट्री मान लो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स अगर पड़ोस में, कोई हमारी पड़ोसी देश है तो उसमें कपड़ों का व्यापार तो होता ही रहता है, तो इंपॉर्टेंट आइटम तो होगा ही। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि भाई सबसे बड़ा आइटम है ट्रेड का, तो यहाँ पे सोचने की बात हो जाती है सबसे बड़ा है कि नहीं है, फिर उसमें दिमाग में आता कि यार इसके लिए तो डेटा पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइटम की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट कोई बहुत ज़्यादा आप डिसाइड नहीं कर सकते कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है वो डिपेंड करता है ओवरऑल ट्रेड कितना हो रहा है क्या हो रहा है, बट वही बात है कि इंपॉर्टेंट आइटम यहाँ पे कैसा वर्ड आ गया, जनरल वर्ड आ गया, गलत नहीं ठहरा सकते आप इसको, हो सकती है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, पिछले 5 सालों में नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा इंडिया का साउथ एशिया में। नेपाल नहीं है, बांग्लादेश है। इसके लिए आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन की, ये भी समझ होनी चाहिए कि नेपाल से बड़ा बांग्लादेश है, जब हमारा साउथ एशिया में बांग्लादेश इतना बड़ा पार्टनर बैठा है। नेपाल के साथ तो अभी रिश्ते खराब भी हो गए थे हमारी चाइना की वजह से, बांग्लादेश के साथ कभी रिश्ते खराब ना हुए तो फिर कैसे ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है। कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस, न्यूज़ याद आनी चाहिए आपको, आपको जितनी भी आपने 1 साल में नॉलेज ग्रहण करी उस प्रेशर में आपको वो नॉलेज याद आ जानी चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया कि इंडिया चाइना के साथ रिलेशन खराब थे तो नेपाल के साथ भी रिलेशन खराब हुए, क्योंकि नेपाल चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा था, तो इस वजह से भी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नेपाल नहीं हो सकता। दूसरा, बांग्लादेश इससे कितना बड़ा है नेपाल से, बांग्लादेश की इकोनॉमी अभी इंडिया को पीछे कर गई थी पीपीपी में, तो इंडिया बांग्लादेश नहीं होगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये चीज आपको याद आ रही है उस प्रेशर में याद आ रही है, आप इस क्वेश्चन को सही टिक कर जाओगे। तो प्रेशर में इसलिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको प्रेशर में करना सिखा देते हैं, प्रेशर में याद करना सिखा देते हैं, कि प्रेशर में रहकर भी आप चीजें याद कर पाओ, अपने दिमाग से बाहर निकल पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज ऑफ मेंबर्स ऑफ G20। G20 के सारे मेंबर, नेट पर जाके G20 के बारे में पढ़िए, ट्रिक्स याद करिए, G20 के कितने मेंबर हैं। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं, बट
पूछ लिया, G20 न्यूज में था और G20 इस साल भी न्यूज में, तो G20 के बारे में अच्छे से पढ़िए। इस चीज में बताता हूँ, G20 की कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होते, G7 G20 इनकी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होते, ये बस फॉर्म्स हैं, समिट्स होती है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स आप पढ़िए आराम से जाके घर पे। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। अब यहाँ पे बात हो रही है शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको कीवर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, कीवर्ड पे आपको फोकस करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, फार्म असेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। फार्म असेट्स में क्या आता है? ट्रैक्टर, मशीनरी। कोई किसान अगर खेती कर रहा है तो एक सीजन में काम करने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, तो शॉर्ट टर्म तो है ही, एक सीजन मतलब 6 महीना, ज्यादा ज्यादा 1 साल, तो शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए अगर क्रेडिट दिया जा रहा है तो बिल्कुल ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स। अब यहां पे ये ध्यान रखना कि हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स और मिनी ट्रक्स इनके लिए लोन किसान क्रेडिट कार्ड में नहीं दिए जाते। अभी मैंने फार्म असेट्स में ट्रैक्टर को शामिल कर लिया तो उसको हटा लेना। फार्म असेट्स में, फार्म असेट्स के मेंटेनेंस के लिए अगर जो पैसा दिया जा रहा है तो उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए जो लोन दिया जा रहा है वो तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। मेंटेनेंस के लिए आप पैसा दे रहे हो तो, बट आप परचेज करने के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो इसमें कवर नहीं होता। आपको लगेगा ऐसे कि हार्वेस्टर्स ट्रैक्टर्स ये सब इसके अंदर आएंगे क्योंकि ये सब जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है KCC उसमें कवर्ड है, बट हाउसिंग, हाउस बिल्डिंग और ये जो परचेज है वो इसमें कवर नहीं है। परचेज इसमें कवर नहीं है, हाउस बिल्डिंग हार्वेस्टर ट्रैक्टर, मेंटेनेंस है, ये ध्यान रखना। तो KCC में अगर आपको उनका नाम भी दिखता है कि ये सब कवर्ड है तो उनकी मेंटेनेंस कवर्ड है, परचेज कवर्ड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो दूसरा गलत है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड कंजम्पशन तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। फैमिली हाउस बनाना, सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, मैंने बोला अभी अभी हाउस बिल्डिंग हार्वेस्टर ट्रैक्टर इनका परचेज कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो ये आपका शॉर्ट टर्म में नहीं आता है। दूसरी बात, विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी शॉर्ट टर्म थोड़ी होगी, लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें नहीं आती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे, सोचने वाले थे, इसलिए टाइम लग सकता है आपको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का जो वेटेज है वो ज्यादा है WPI से, बिल्कुल CPI में फूड का वेटेज ज्यादा है, ये चीज पता होनी चाहिए। WPI सर्विसेज की प्राइसेस कैप्चर नहीं करता बट CPI करता है, बिल्कुल करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज की प्राइस कैप्चर होती है, WPI में नहीं होती, क्योंकि WPI मेजर करता है होलसेल प्राइस। क्या कभी भी सर्विसेज होलसेल में मिलती है? क्या डॉक्टर्स की सर्विसेज होलसेल में मिलती है? कभी आपने सुना हो 10 डॉक्टर होलसेल में अपनी सर्विस दे रहे हो? नहीं देते ना, सामान सर्विसेज में मिलता है ना। गुड्स सर्विस, गुड्स जो होती हैं वो आपके होलसेल में मिलती है ना, सामान जाते हो आप दुकान से होलसेल प्राइस में मिल जाता है। कभी आपको किसी डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की कोई भी सर्विस जो आप ले रहे हो बाहर से, कोई भी कंसल्टेशन ले रहे हो, होलसेल में मिलती है? नहीं मिलती है, तो WPI क्यों मेजर करेगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WPI इसकी की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन अपना लिया है। WPI UPI को, अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया WPI को देखेगा इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए? नहीं, RBI देखेगा CPI को, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को। CPI को देखेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेगा, ठीक है। कंज्यूमर प्राइसेस में क्या इन्फ्लेशन हो रही है, WPI प्राइसेस में इन्फ्लेशन नहीं देखता RBI की पॉलिसी रेट्स डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इन द एंड उसको यहाँ पे देखना है कि कंज्यूमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो की पॉलिसी रेट्स में CPI आती है, WPI नहीं आती। इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर्स हैं, कहाँ फ्लो होती है बतानी है। तो वोल्गा, कैस्पियन सी, जाम्बेजी, इंडियन ओशियन, ये तो सही है। इन दोनों का आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ। जबकि थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर आपकी फ्लो होती है नॉर्थ सी में, ना कि इरिशियन।
अरे सी में यहाँ पे ये नहीं होती है फ्लो, नॉर्थ सी में होती है थेम्स रिवर। मेकोंग रिवर अंडमान सी में नहीं होती, ये होती है चाइना सी में, ठीक है। वोल्गा और कैस्पियन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें भी कॉमन सेंस लग रहा है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारे सीरियल और पल्सेस और ऑयल सीड्स के केस को देखें अगर हम, जितने भी सीरियल्स पल्सेस ऑयल सीड्स हैं, एमएसपी पे जो इनका प्रोक्योरमेंट होता है वो अनलिमिटेड होता है किसी भी स्टेट में। अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट नहीं होता है, एक पूरा डिसाइडेड होता है कि कितना प्रोक्योरमेंट लेंगी सरकार। अनलिमिटेड वर्ड अपने आप में एक्सट्रीम वर्ड भी है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। सीरियल्स और पल्सेस के केस में अगर कोई एमएसपी फिक्स की गई है किसी स्टेट यूटी में, एमएसपी फिक्स की जाती है स्टेट और यूटी में, उस लेवल पे की जाती है जिस लेवल पे मार्केट प्राइस कभी बढ़ेगी ही नहीं, ये भी गलत है। एमएसपी के कॉन्सेप्ट से ही ये उल्टी चीज़ है। एमएसपी फिक्स की जाती है ये देखते हुए कि देखो एमएसपी एक इंडिकेटिव प्राइस है और मार्केट प्राइस एमएसपी से कितने भी ऊपर और कितनी भी नीचे जा सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो ये कभी नहीं होता कि एमएसपी इस तरीके से फिक्स कर दो कि मार्केट प्राइस इससे कभी ऊपर ही ना जाए। कितनी भी मार्केट प्राइस हो एमएसपी से ऊपर या नीचे जा सकती है। अब यहाँ पे नेवर वर्ड भी एक्सट्रीम है, राइट? तो अनलिमिटेड नेवर एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसलिए भी गलत, नॉलेज के हिसाब से भी गलत, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 70। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि इस पे आपको पैसा रिटर्न मिले नहीं मिले जरूरी नहीं है, ट्रस्ट के भरोसे दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म होता है, एक साल से कम समय के लिए दिया जाता है, तो बिल्कुल सही। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कॉरपोरेशन। आरबीआई इशू नहीं करता, ये आरबीआई इशू नहीं करता सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो दूसरा यहाँ पे गलत है। कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक आपस में पैसा देने लेने के लिए कॉल मनी का यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल सही। जीरो कूपन बॉन्ड्स इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, यही आपको समझ आना चाहिए था कि जीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते ये लोग, ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, पार पे रिडीम किए जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं बनता। जैसे मान लो ये बॉन्ड आप 900 के खरीदते हो ना, तो जब इसका रिडीम करने का पीरियड आएगा तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इस बॉन्ड पे फेस वैल्यू आपको 1000 ही दिखेगी, जब आप जाएंगे ना इस बॉन्ड को लेने तो आपको इसको 1000 रुपये ही दिखाई देंगे, आपको पे 900 करना पड़ेगा, और जब आप इस बॉन्ड को वापस देंगे तो आपको 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो इंटरेस्ट नहीं मिलता। इंटरेस्ट नहीं मिलता यहाँ पे, नो इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड ऑन सच बॉन्ड्स एट पीरियडिक इंटरवल्स बिफोर मैच्योरिटी। ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, पार पे रिडीम किए जाते हैं, एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो ये गलत। इसका जो आंसर होगा वो होगा वन एंड थ्री ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कल्चरल हिस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ पेयर्स हैं बताने हैं कि कौन से करेक्टली मैच्ड हो रहे हैं। परिवर्जका, परिवर्जका क्या थे? वंडरर थे, रिनशियन थे, मतलब जो संसार त्याग दिए थे, जो संत महात्मा होते हैं उनकी बात हो रही है, बिल्कुल। श्रमणा, श्रमणा क्या होते थे? प्रिंस प्रिस्ट विद हाई स्टेटस। ना श्रमण भी यही होते थे जो लोग संसार को छोड़कर बाहर आ जाते थे और अपनी सेंट लाइफ जीते थे। प्रिस्ट नहीं होते थे, ये कोई हाई स्टेटस वाले नहीं होते थे। श्रमणा यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है। विच ऑफ द, जैसे आपके लॉर्ड बुद्धा थे, महावीर जी थे, वो श्रमणा थे, ठीक है। विच, अब उपासका, उपासका कौन होते हैं? ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल। उपासका जो बुद्धिज्म के फॉलोअर होते हैं उनको कहते हैं। तो ऐसे एक बोधिसत्व टर्म भी हमने पढ़ा हुआ है जो न्यूज में था, जो PYQ में पूछा गया है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म की जो टर्मिनोलॉजी है वो जरूर आप पढ़िएगा। तो 1 and 3 आंसर है इसका। विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलिफेंट ग्रुप का लीडर फीमेल होती है, बिल्कुल।
मैक्सिमम गेस्टेशन जो पीरियड होता है, मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है, वो 22 मंथ्स होती हैं। बिल्कुल। एक एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कॉलविंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, ना इससे ज़्यादा भी चले जाता है। नॉर्मली एलिफेंट्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एवरेज, वो 70 ईयर्स होती है, तो 40 ईयर्स यहाँ पे गलत है। एडल्टहुड ही 18 ईयर्स में स्टार्ट होता है, तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पे गलत है। हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, नहीं केरला में नहीं है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है कर्नाटका, फिर केरला में, कर्नाटका में है फिर केरला में, ध्यान रखना। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, आंसर इसका 1 एंड 2 ओनली। प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा, 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1992 में लॉन्च हुई थी। देश के 29 स्टेट्स में से 16 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। 12 अगस्त को आपके वर्ल्ड एलिफेंट डे है, ठीक है। टोटल देश में अगर देखा जाए तो करीब 28,000 एलिफेंट्स हैं, जिसमें 25% कर्नाटका में, ठीक है। आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। अगले पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज लोकेटेड है? 1, 3 एंड 4, नागरहोल, पापीकोंडा, वायनाड। सत्यमंगलम नहीं है, सॉरी पापीकोंडा नेशनल पार्क नहीं है, पापीकोंडा नेशनल पार्क नहीं है। पापीकोंडा नेशनल पार्क एक्चुअली में गोदावरी बेसिन में लोकेटेड है, ठीक है, कावेरी बेसिन में नहीं है। तो एक्सेप्ट टू, ऑल एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन एरिया, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, नागरहोल कहाँ पे लोकेटेड है? एक सेकेंड जूम कर देता हूँ। नागरहोल आपका लोकेटेड है कर्नाटका में, ठीक है। सत्यमंगलम कहाँ है आपका? जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कॉन्फ्लुएंस है वहां पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कॉन्फ्लुएंस रीजन है ना, वहां पे। वायनाड केरला में, वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला में। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क, अब मैं एक पापीकोंडा, ये ध्यान रखना, ये कोंडा जो शब्द है आपको गैस करना चाहिए कि कौन से स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। नेट पे सर्च करिए, पढ़िए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आपके गोदावरी बेसिन में, ये ध्यान रखना। तो नेशनल पार्क्स के मैप वगैरह देखते रहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। इंडियाज बायोडायवर्सिटी की बात हो रही है, सेलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, क्या है ये सब? बर्ड्स है, ये सब बर्ड्स हैं, बर्ड्स की स्पीसीज है। न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर में ये सब बर्ड्स की नाम आते रहते हैं, तो फॉलो करते रहिए, देखिए कि स्पीसीज की जो नाम है कौन से स्पीसीज के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा प्रोटेक्टेड एरियाज फेमस है? बारहसिंगा, इंडियन स्वैम डियर की सब स्पीसीज के कंजर्वेशन में, कान्हा नेशनल पार्क। बारहसिंगा वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज है डियर फैमिली की, जो सेंट्रल और नॉर्थन इंडिया में ही है, ध्यान रखना। ये नेटिव है इंडिया और नेपाल में, नेटिव है, ठीक है। इसको स्वैम्प डियर भी कहते हैं। स्वैम्प डियर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्वैम्प रीजन होते हैं, जो रिवर वैली होती है, वहां पे ये सर्वाइव कर सकता है। कहाँ पे? एमपी में, एमपी में बहुत फेमस है ये, यहाँ पे टाइगर्स भी रहते हैं। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अगर आप जो टूरिज्म एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें कान्हा नेशनल पार्क का जिक्र होता है, उसमें बारहसिंगा का भी जिक्र होता है। सबसे अच्छी बात यह कि नियरली एक्सटिंक्ट ही था ही, उसको सेव कर लिया, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंगा के लिए फेमस है। स्टील स्लैग, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कैन बी, 100 ऑफ टाइम्स मैंने आपको ये बताया है कि कैन बी वर्ड बहुत पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। कैन बी का मतलब है हो सकता है। स्टील स्लैग किसका मटेरियल हो सकता है? स्टील स्लैग हो सकता है
इन सब का, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सोयल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, इन सब में स्टील स्लैग जो है मटेरियल यूज में आ सकता है। स्टील स्लैग क्या होता है? स्टील स्लैग इज अ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो आपका बाय प्रोडक्ट होता है वो स्टील स्लैग होता है। लार्ज क्वांटिटीज में बनता है, जब स्टील मेकिंग ऑपरेशंस होते हैं ना तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में निकलता है, उसको यूज में लिया जा सकता है इन सब में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 77 प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, तो इन सबके बारे में आपको पढ़ते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन नेचुरल हैबिटेट। मस्क डियर को आप नेचुरली देखना चाहते हैं तो कौन से हैबिटेट, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको मिल जाएगा? एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, आपको मिल जाएगा इन दोनों में। सी, एस्कॉट जो है वो उत्तराखंड में है, गंगोत्री भी आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है कि मस्क डियर उत्तराखंड में मिलता है और ये दोनों भी उत्तराखंड में, तो आप कर दोगे। ठीक है, किशनपुर और मानस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके यूपी में है, दुधवा टाइगर रिजर्व है ना उसके पास में, और मानस नेशनल पार्क आपका एमपी में। तो यूपी और एमपी दोनों अलग अलग जगह हो गई, इस वजह से भी आप इसका एलिमिनेशन कर सकते हो। अच्छा, मानस एमपी में नहीं है, मानस असम में, सॉरी मानस एमपी में नहीं है, मानस असम में, याद रखिएगा। तो असम और यूपी बहुत अलग अलग जगह हो गई। मानस नेशनल पार्क आपके असम में है, किशनपुर यूपी में है, तो दोनों अलग अलग जगह हो गई, इस वजह से भी आप कह सकते हो कि मस्क डियर नेचुरल, अगर कोई अगर एनिमल किसी जगह रह रहा है तो उसके आसपास के स्टेट में भी रह रहा होगा, बट किशनपुर और मानस तो दोनों अलग अलग है, तो उसका मतलब ये है कि किशनपुर और मानस साथ में तो नहीं आ सकते। और जो चीज अशोक अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो गंगोत्री में भी मिलती होगी, क्योंकि दोनों उत्तराखंड में पास पास है, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। मानस नेशनल पार्क ध्यान रखना यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रोटेक्टेड टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सब भी है, असम में बहुत बहुत फेमस साइट है ये। अगले क्वेश्चन पे बात है। रूरल इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। किसका यूज किया जाए ताकि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, कार्बन फुटप्रिंट कम हो? कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल होल्ड हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी या पोर्टलैंड सीमेंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हॉट मिल्ट जो एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, वो आपकी क्रूड ऑयल की प्रोडक्ट होती है, क्रूड ऑयल से बनती है ये हॉट मिक्स एस्फॉल्ट टेक्नोलॉजी। और क्रूड ऑयल अपने आप में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं दे सकता, क्रूड ऑयल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं दे सकता, तो यहाँ पे चौथा गलत है। पोर्टलैंड सीमेंट अपने आप में CO2 एमिटर है, पोर्टलैंड सीमेंट अपने आप में CO2 एमिटर है, तो 4 और 5 नहीं हो सकता, आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल एश कंटेन्स आर्सनिक लीड एंड मर्करी। कोल एश में क्या क्या होता है, ये सब होता है, आर्सनिक लीड मर्करी बिल्कुल होता है। कंटेन्स वर्ड भी यहाँ पे बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, बहुत ही कम मात्रा में हो पर कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज में मिली जाती है, पहला स्टेटमेंट सही है। कोल फायर पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू एनवायरनमेंट, मैंने क्या बोला, बहुत बार समझाया हुआ भी है, कोई चीज रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भले ही नहीं हो, बहुत कम हो, पर होते तो हैं, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, जनरल स्टेटमेंट है। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, यस हाई एश कंटेंट रहता है, इसकी वजह से धुआं भी ज्यादा रहती है, क्वालिटी भी गिर जाती है इंडियन कोल की। 1, 2, 3।
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रखिए। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार का क्या यूज है? बायोचार कार्बन रिच फॉर्म होती है चारकोल की, चारकोल, चारकोल की कार्बन रिच फॉर्म होती है बायोचार। कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। बिल्कुल सही, वर्टिकल फार्मिंग में यूज किया जा सकता है इसको। बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोइज्म। फर्टिलाइजर है ये अपने आप में, तो सोइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाता है, तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। बायोचार ग्रोइंग मीडियम का अगर पार्ट है, मतलब इट इज यूज एज ए इनपुट, तो ये इनेबल करता है ग्रोइंग मीडियम को पानी बचाने के लिए लॉन्गर टाइम में। बिल्कुल, सोइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। बायोचार द हिंदू में आया हुआ है, बायोचार द हिंदू में आया हुआ था इस साल, इसलिए पूछा गया डायरेक्टली क्वेश्चन। क्या है, बायोचार से ना सोयल में कार्बन कैपेसिटी बढ़ जाती है, कार्बन कैप कंटेंट बढ़ जाता है, कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, तो इससे ग्रीन हाउस एमिशंस जो है मिटिगेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सोइल की कैपेसिटी कार्बन को एब्जॉर्ब करने में बढ़ जाती है, और बायोचार में फंगी ये सब बहुत ज़्यादा अबंडेंस में रहते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक भी बढ़ जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? शेड्यूल 6 में वो स्पीसीज आती है जिसको कल्टीवेट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, एंशियंट इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है, घंटाशाला, कडूरा, चोल, ये क्या थे, ये किस लिए फेमस थे? मतलब ये टाउन्स थे, ऑफ कोर्स ये टाउन्स थे, बट ये किसके लिए फेमस थे? ये पोर्ट्स थे, पोर्ट्स थे। एडवांटेज क्या है जीरो टिलेज के? जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि आप सोयल को छेड़ो ही मत। जनरली टिलेज में क्या होता है, जब नई क्रॉप लगाई जाती है नई सीजन में, तो सोयल को मशीनरी से ऊपर नीचे किया जाता है। जीरो टिलेज में उसको छेड़ा ही नहीं जाता, जो रेसिड्यू होता है पिछले क्रॉप का उसमें मिला दिया जाता है, उसी में उसको छेड़ा नहीं जाता, कुछ भी टिलेज नहीं किया जाता। तो वीट की सोइंग पॉसिबल है प्रीवियस क्रॉप के रेसिड्यू को बर्न करने बिना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने कहा ना कि प्रीवियस क्रॉप जो होती है उसको आपको बर्न करना नहीं पड़ेगा, उसको आपको हटाना नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे मिला दो सोइल के अंदर, जो भी रेसिड्यू पिछले क्रॉप की ऐसे कैसे मिला दो, फिर उस पर नई क्रॉप उग जाएंगे। पहला यहां पे सही है। जीरो टिलेज में ध्यान रखना, जीरो टिलेज की यहां पे बात हो रही है। टिलेज का मतलब तो ये होता है कि आप मिट्टी खोद रहे हो, डिगिंग कर रहे हो, ओवरटर्न कर रहे हो मशीनरी के थ्रू। जीरो टिलेज का मतलब होता है यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पहला स्टेटमेंट सही है। राइस सैपलिंग की नर्सरी किए बिना डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स पॉसिबल है। बिल्कुल, डायरेक्ट सीडेड राइस क्या होती है, इसमें पौधों को नर्सरी में रेस किए बिना, मतलब क्या होता है, पहले नर्सरी में बीज लगाए जाते हैं, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको खेतों में लगा दिया जाता है। जीरो टिलेज फार्मिंग में बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप नर्सरी में जाए बिना डायरेक्टली इनको खेतों में उगा दो। सेकेंड भी पॉसिबल है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सोइल इज पॉसिबल। बिल्कुल, क्रॉप्स अगर नहीं जलाई जाएंगी, क्रॉप्स अगर जलाई नहीं जाएंगी तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा? नहीं होगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा ना फिर सोइल के अंदर ही। भाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब यह है कि कार्बन एब्जॉर्ब कर ली सोइल, तो जब प्रीवियस क्रॉप अगर सोइल के अंदर ही दब जाएगी तो कार्बन वहीं के वहीं रह गया ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया ना, एमिशन नहीं हुआ ना, कार्बन का एमिशन नहीं हुआ तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा यूज में किया जा सकता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा रॉ मटेरियल के तौर पर यूज में किया जा सकता है? अभी बात आप याद रखना कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में चीज साफ है कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जो खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
उसको आप बायोफ्यूल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, वरना फूड सिक्योरिटी पे दिक्कत आ जाएगी। तो आप डैमेज्ड चीज़ें, वेस्ट चीज़ें ही यूज़ में लिए जा सकते हैं। तो कसावा डैमेज्ड वीट ग्रेन से आएगा, ग्राउंडनट सीड, हॉर्स ग्राम और ग्राउंडनट सीड। आपको लगता है कि ये दोनों बायोफ्यूल को बनाने में यूज़ में आएंगे? खाने के लिए कम पड़ जाते हैं। हॉर्स ग्राम जो है कुल्ठी की दाल, आपने सुनी कुल्ठी की दाल जो स्टोन के पेशेंट्स को देते हैं, और नॉर्मली अच्छी भी होती है, खाने के लिए कम पड़ जाते हैं लोगों के पास। ग्राउंड नट सीड हॉर्स ये बायोफ्यूल में थोड़ी यूज़ में लेंगे, हमको फूड वेस्ट यूज़ में लेना है। ठीक है, फूड वेस्ट यूज़ में लेना है। 3 और 4 हम यूज़ में ले ही नहीं सकते बायोफ्यूल को बनाने के लिए। तो उसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 1, 2, 5 और 6। रोटेड पोटेटो जो सड़ गए आलू, उनको यूज़ में ले जा सकता है। ठीक है, डैमेज्ड वीट ग्रेन्स ये भी यूज़ में ले जा सकता है। तो ऐसे भी आपको आंसर निकल सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? कार्बन की सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट का मतलब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म डैमेज जितना हो रहा है CO2 एमिशंस का किसी भी ईयर में, वो इसमें आता है। लॉन्ग टर्म डैमेज जो किया जा रहा है CO2 एमिशंस के द्वारा, वो यहाँ पे सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन होता है। विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पल्स प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। यस, पल्सेस सारे सीजन में ग्रो होती हैं भाई, खरीफ, रबी और जैद। ठीक है, बिल्कुल सही। ग्राम, ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। नहीं नहीं नहीं, ग्राम का है अबिडेंट मोस्ट डोमिनेंट पल्स है, बिल्कुल मेजर शेयर तो पल्स प्रोडक्शन में ग्रीन ग्राम का है, बट शेयर 40% ही है। ठीक है, बाकी सब इससे कम ही होंगे, बट हाफ नहीं है ये। हाफ का मतलब होता है 50%, तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। लास्ट 3 डिकेट्स में 30 सालों में खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा है, रबी पल्सेस का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। ये गलत है, उल्टा हुआ है, रिवर्स हुआ है। यहाँ पे खरीफ पल्सेस का प्रोडक्शन घटा है और रबी पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये ध्यान रखना, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इम्पोर्टर है पल्सेस का। इसका आंसर होगा 1 ओनली, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इम्पोर्टर। ठीक है, और कौन कौन के स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पल्सेस? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन में रबी का शेयर ज़्यादा है, ध्यान रखना, रबी पल्सेस का शेयर ज़्यादा है, 60%। रबी पल्सेस का शेयर बढ़ा है, इसलिए मैंने बोला बढ़ा है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी क्रॉप की बात हो रही है? सब ट्रॉपिकल है, फ्रॉस्ट इंजीरियस होती है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, लाइट वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए ताकि मॉइस्चर रिटेन कर सके। कॉटन की बात हो रही है यहाँ पे। सीधी सी बात है, NCERT में आप पढ़ोगे, सारी क्रॉप्स दे रखी है, इनकी कंडीशंस दे रखी है, कौन सी कंडीशन बेस्ट होती है। NCERT आप पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कॉटन तो वैसे भी आपको याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी क्रॉप के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर वाटर पंप की बात हो रही है। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स, नॉट फॉर समर्सिबल पंप्स। सोलर पावर यूज किया जा सकता है दोनों के लिए, दोनों के लिए यूज में किया जा सकता है ये। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, नॉट द वंस विद पिस्टन। पिस्टन एक तरह का कंपोनेंट होता है सोलर पावर में लगता है, इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये भी गलत है। वैसे तो मैंने बोला ना कि क्वेश्चन फ्रेमिंग को पकड़ो। सोलर पावर अभी दो चीज़ें हैं, मान लो रनिंग सोलर पंप है और समर्सिबल पंप है। आपको नहीं पता क्या है ये, पता नहीं कौन सी रामायण है, मान लो नहीं पता अपने को। टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, समय के साथ आगे बढ़ती है, कोई भी चीज़ किसी के साथ भी चलाई जा सकती है, एसोसिएट हो सकती है। नोट शब्द यहाँ पे एक्सट्रीम बता रहा है, दोनों में एक्सट्रीम बता रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सट्रीमिटी के
ट्रिक के हिसाब से भी गलत है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो आपको नहीं भी पता कोई वर्ड क्या है, क्या रामायण लिख दी तो भी आप सही कर सकते हो लॉजिक के हिसाब से। शुगर केन की बात हो रही है, करंट ट्रेंड शुगर केन में क्या है उसकी बात हो रही है, बर्ड चिप सेटलिंग्स की बात हो रही है। अब क्या होती है ना कि शुगर केन को उगाने के लिए छोटी छोटी बर्ड चिप लगती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेविंग होती है सीड मटेरियल में। अगर नर्सरी में पहले ये शुगर केन की जो बर्ड्स होती हैं वो पहले बड़ी कर लें, फिर इनको खेतों में ले जाके ट्रांसप्लांट कर लें, बिल्कुल टाइम बचता है, डैमेज बहुत कम होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन मिल जाता है ना हमको काफ़ी ज़्यादा। अगर हम नर्सरी में पहले सीड्स को प्रोटेक्शन दे दें, छोटे छोटे पौधों को प्रोटेक्शन दे दें, फिर खेत में जाके लगाएं। व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, अब वो जो बर्ड हमने सेट किए, अगर मान लो हमने डायरेक्टली खेतों में जाके किए, तो सिंगल बर्डेड सेट से जर्मिनेशन ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू सेट्स विद मैनी बर्ड्स, सीधे सीधे गलत है। अगर आप बर्ड्स एक एक बर्ड लगा रहे हो तो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीपल बर्ड्स लगा रहे हो तो स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बैड वेदर कंडीशन अगर होती है, जब डायरेक्टली आप खेतों में प्लांट कर रहे हो सेपलिंग्स को, तो सिंगल बर्डेड का बेटर सर्वाइवल है। फिर वही बात, सिंगल बर्डेड का कैसे सर्वाइवल बेटर होगा, लार्ज जो सेट्स होते हैं जो गुच्छे में रहते हैं, जो मैनी बर्ड्स अगर आप करोगे, लार्ज सेट्स करोगे, उनका सर्वाइवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट भी गलत है। शुगर केन कैन बी कल्टीवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फॉर टिश्यू कल्चर, कैन बी मैंने बताया था, पॉसिबिलिटी बता रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, शुगर केन कल्टीवेट किया जा सकता है टिश्यू कल्चर से, बिल्कुल 1 and 4 ओनली। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया कंटेक्स्ट की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में कौन कौन आता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लीगल इंटेंसिफिकेशन, टेसीमीटर यूज और वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग बहुत सारी कोचिंगों ने बताया हुआ है कि इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है, बट ये नहीं है। वर्टिकल तरीके से आप देखोगे फार्मिंग जो की जाती है, आप फोटो देखिए गूगल वगैरह पे, वर्टिकल फार्मिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो यूपीएससी के हिसाब से इको फ्रेंडली ये नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। एडवांटेज क्या है फर्टिगेशन का एग्रीकल्चर में, आप सबसे पहले तो फर्टिगेशन क्या होता है, ड्रिप सिस्टम पढ़ा है आपने, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, पाइप में छेद कर दिए जाते हैं, जो सीधे पानी प्लांट के सीड में पहुंचाता है बिना पानी वेस्ट किए, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के जरिए अगर आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते हो खेत में, इरिगेशन सिस्टम में, उसको कहते हैं फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन मिक्स होके क्या बना है, फर्टिगेशन। इसके क्या एडवांटेज है, एडवांटेज पूछ रहे हैं, एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, कंट्रोल की जा सकती है एल्कलिनिटी को, बिल्कुल कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि इससे वाटर स्पिलेज जो होती है वो अवॉइड होती है, वाटर स्पिलेज अवॉइड होती है इससे। अगर वाटर स्पिलेज ज़्यादा हो जाती है ना तो वीड ग्रोथ हो जाती है, तो उससे फिर सोइल अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। बट जब वाटर वेस्ट ही नहीं हो रहा, वाटर सीधे प्लांट में जा रहा है, वाटर इधर उधर आपने छिड़काव कर दिया ना, तो वीड की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वाटर इधर उधर छिड़क रहे हो आप, तो जो वीड है उनको भी पानी मिलेगा तो वो भी ग्रो होंगे, तो अल्कलिनिटी बढ़ जाती है वीड की ग्रोथ से, वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है अल्कलिनिटी को, बिल्कुल की जा सकती है। एफिशिएंट एप्लीकेशन होगा रॉक फॉस्फेट का, ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का, नहीं यार रॉक फॉस्फेट सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रॉक फॉस्फेट का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरिया, पोटैश, ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो इनको आप कर सकते हो यूज, रॉक फॉस्फेट का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है प्लांट्स को, बिल्कुल बढ़ जाती है, जब आप बिल्कुल प्लांट के बीज में ही लेके जा रहे हो, आप फर्टिलाइजर दे रहे हो, पानी दे रहे हो, तो अवेलेबिलिटी तो बढ़ेगी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। केमिकल न्यूट्रिएंट का रिडक्शन, केमिकल न्यूट्रिएंट का लीचिंग का रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब इतनी लीचिंग नहीं होगी केमिकल फर्टिलाइजर की, क्योंकि फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ जाएगी ना, तो लीचिंग भी नहीं होगी।
ओवर एप्लीकेशन नहीं हो रहा ना, सोयल वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, ओवर एप्लीकेशन नहीं हो रहा फर्टिलाइजर का, तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, मिनरल्स की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से ऑफिशियली डिजाइनेटेड है एज मेजर मिनरल। मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, दो तरह के मिनरल होते हैं। अब इनका भले ही आपने नाम नहीं सुना होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अवॉइड कीजिए। वैसे इसका आंसर है 2, 3 एंड 4 ओनली, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट। अब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं इसको, मिनरल्स वाले टॉपिक को, तो आप कर सकते हो, बट स्टिल देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को सवाल नहीं आगा, तो ऐसे सवाल को छोड़ देना ही बेहतर है। बस अब याद रख लीजिए, अगर इस तरीके के सवाल फिर से आते हैं और ये वापस आता है अगर इसी तरीके से कुछ, तो आपको याद रहेगा। 92 का आंसर है डी। ओशियन मीन टेम्परेचर की बात हो रही है, ये सवाल डायरेक्टली द हिंदू में से पूछा गया था, द हिंदू की एग्जैक्ट लाइंस रिपीट की गई। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ओशियन मीन टेम्परेचर मेजर किया जाता है अप टू द डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग जनवरी मार्च। 129 मीटर्स नहीं होती है, 50 से 100 मीटर है। पहला स्टेटमेंट गलत है। OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मॉनसून विल बी लेस और मोर देन सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। OMT से हमें ये असेसमेंट करने में पता चलता है कि अमाउंट जो ऑफ रेनफॉल जरूरी ज़्यादा हुई है या कम हुई है। कैन बी यूज्ड पॉसिबिलिटी, फिर से वही बात, 4-5 क्वेश्चन तो कैन बी यूज्ड से ही सही हो जाते हैं पेपर में, 8 से 10 नंबर तो आपको कैन बी यूज्ड से ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस है केमिकल फर्टिलाइजर की, वो मार्केट ड्राइवन है, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करती है। गलत बात, यूनियन गवर्नमेंट तो यूरिया की जो प्राइस है उसको एडमिनिस्टर करती ही करती है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, कॉमन नॉलेज है, बिल्कुल नेचुरल गैस से ही बनती है। सल्फर जो रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर का बाय प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का, बिल्कुल सल्फर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग नेचुरल गैस एंड रिफाइनिंग हाई सल्फर क्रूड ऑयल, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर है 2 एंड 3 ओनली। फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो फर्टिलाइजर वगैरह इन सब के बारे में पढ़ती रही है, क्या पॉलिसी है सरकार की, किस तरीके से मेजरमेंट होता है, प्राइस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में, तो राजस्थान के जैसलमेर में है, जैसलमेर और बाड़मेर दो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहाँ पे सिचुएटेड है। अब इसके बारे में स्टेटमेंट बताओ, इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर दोनों मैंने डिस्ट्रिक्ट बताई है। कोई ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है इसमें, ऐसा हो सकता है? नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क बहुत बड़ी चीज़ होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, एलिफेंट रिजर्व नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में ह्यूमन हैबिटेशन होती ही होती है। चलो फॉरेस्ट वाले तो रहते ही हैं, फॉरेस्ट के बंदे तो रहते ही हैं, तो सेकेंडरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नो ह्यूमन हैबिटेशन अपने आप में एक्सट्रीमिटी बता रहा है। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, तो और ये डेजर्ट नेशनल पार्क भी वैसे फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ठीक है, तो तीसरा सही है। 1 एंड 3 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नब्र वैली। अब यहाँ पे इंडिया और चाइना का क्लैश चल रहा था जब ये क्वेश्चन, जब ये पेपर आया, तो आप एक बार लद्दाख वाला मैप देखिए, आपको समझ में आएगा कि नुब्रा वैली के नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ पेयर्स हैं बताने हैं कि कौन से करेक्टली मैच्ड है। भिलसा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं, ये है कर्नाटका में। गिरिनगर गुजरात, बिल्कुल गिरिनगर गुजरात फेमस है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, ना यह है हरियाणा में, ठीक है।
स्थनेश्वर फेमस है स्थनेश्वर महादेव टेम्पल के लिए जो थानेश्वर में, यहाँ पे लॉर्ड शिवा से प्रे करते थे पांडव। द्वार समुद्र आपका फेमस है होयसला, होयसलास के लिए, ठीक है। वन एंड थ्री ओनली, 98। इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें 36% ओवर एक्सप्लोइटेड और क्रिटिकल क्लासिफाई की गई है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा। अब ये 29% है, 36% नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर्म की गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, बिल्कुल। इंडिया के पास लार्जेस्ट एरिया है अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। फैक्चुअल क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है, टू एंड थ्री आपको याद होने चाहिए। जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली, ओनली गलत। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं, दोनों में होते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स दोनों हेमिस्फेयर में होते हैं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, यार देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के पास आई नहीं होती, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बाद पास होती है, तो स्टेटमेंट ये सही है। कुछ ही साइक्लोन होते हैं जिनके पास आई होती है, जो आई डेवलप करते हैं, सेंट्रल में एक एरिया होता है वेल डेवलप्ड आई होती है जिसमें स्टॉर्म्स होती है, तो वो सर्कुलर जो आई होती है, स्मॉल क्लियर एक्सट्रीमली सर्कुलर जो आई होती है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में ही होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में नहीं होती, तो स्टेटमेंट ही सही है। साइक्लोन का जो आई होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसके सराउंडिंग से 10% डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर लेके चलता है। कम का मतलब है ठंडा होता है अपने सराउंडिंग से, उल्टा होता है जबकि वार्मर होता है, कोल्डर नहीं होता, वार्मर होता है। वार्मर टेम्परेचर तभी तो उस आई में से स्टॉर्म निकलती है। तीसरा भी गलत, इसमें जो आंसर ऑफ होगा वो होगा टू ओनली। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इतने सारे जो टाइगर रिजर्व दे रखे हैं ऑप्शंस में, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व किसका एरिया क्रिटिकल टाइगर, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर लार्जेस्ट एरिया है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, बहुत फेमस है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम के अंदर लार्जेस्ट एरिया है अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया और इट इज वेरी फेमस फॉर मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की बाउंड्री में फैला हुआ है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होते हैं? ये टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। टाइगर रिजर्व के कोर एरियाज होते हैं। रणथंबोर तो आपको पता ही है कहाँ पे है, राजस्थान में। सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का जहाँ पे बंगाल टाइगर रहता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में पहला टाइगर रिजर्व है, पहला प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में ये आया था सबसे पहले, ठीक है। 1936 में एस्टेब्लिश हो गया था ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, 1936 में ही हो गया था, और इसको पहले कहते थे हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क कहते थे, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये। इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, ध्यान रखना। कॉर्बेट जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और नेशनल पार्क जब बोलते हैं तो रामगंगा नेशनल पार्क बोलते हैं, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये, ध्यान रखना, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी बहुत पुराना है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पुराना टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।